कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जब हम कंपनी किसी कंपनी को सेल करते हैं, चाहे तो वो क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, तो जब हम उसका इनवॉइस देखते हैं, इनवॉइस निकालते हैं, तो उसके ऊपर इनवॉइस ही लिखा रहता है। मगर हम ये चाहते हैं कि जब हम अगर हम कैश सेल कर रहे हैं तो इनवॉइस के ऊपर कैश मेमो लिखा हुआ है, अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट मेमो लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें वाउचर क्रिएट करने होंगे। हालांकि हमने पहले वाले वीडियो में वाउचर क्रिएट करना सीख लिया है, मगर हम नए सिरे से अभी वाउचर क्रिएट करेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि वो कैश मेमो क्रेडिट मेमो कैसे आता है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंट्री दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं पेरू में और ये देखिए, यहाँ पे कैश सेल की एंट्री है। हमने इसको एंटर किया और ऑल्ट प्लस पी बटन दबाया और आई बटन दबाया प्रिंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें जो है इनवॉइस लिखा हुआ है, जबकि कैश सेल हो रखा है। और इसी तरह से हम देख लेते हैं एक क्रेडिट सेल की एंट्री। एक क्रेडिट सेल की एंट्री है, जब हम इसका बिल निकालेंगे, कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएंगे और आई बटन दबाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी इनवॉइस ही लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये उधार सेल। हम चाहते हैं कि कैश सेल में कैश मेमो लिखा हुआ है और उधार सेल में क्रेडिट मेमो लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें वाउचर क्रिएट करने होंगे। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और जाएंगे गेट पे और सबसे पहले क्लिक करेंगे वाउचर, सेलेक्ट करेंगे और टाइप और एंटर करके क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश सेल। तो फ्रेंड्स, हम ये कैश सेल का एक वाउचर बना रहे हैं। तो कैश सेल हमने वाउचर बना लिया है, एंटर बटन दबाएंगे। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर पे आप सेल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप एंटर बटन पुश करते हुए आगे आएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे आके रुक जाएंगे, यानी बिफोर टैटर टू प्रिंट आउट। आप जो कैश सेल का जो वाउचर है उसमें ऊपर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ आए। फ्रेंड्स, कैश मेमो लिखने के बाद आप एंटर बटन पुश करेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे उसे सेल। फ्रेंड्स, इतना हमने कर दिया है और एक बना लेते हैं क्रेडिट सेल का। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल टाइप करना है, एंटर बटन पुश करते हुए यहाँ पे फ्रेंड्स सिलेक्ट करना है सेल, सेल का वाउचर बना रहे हैं। एंटर बटन पुश करते हुए आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स डिफॉल्ट टाइटल फील्ड में पहुंचने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट मेमो। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट मेमो लिखने के बाद एंटर बटन पुश करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम एंट्री करके देखते हैं कि क्या आता है उसके ऊपर। तो एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में और चूंकि हम सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो F8 की दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वाउचर आ गया है कैश सेल और क्रेडिट सेल का। तो फ्रेंड्स, हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो सॉरी कैश सेल कर रहे हैं तो आप कैश सेल सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट, हम कैश सेल कर रहे हैं तो कैश सेल सेलेक्ट किया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चूंकि पार्टी का नाम क्या है, अब हम कैश सेलेक्ट करेंगे, पार्टी कैश दे रही है। एंटर बटन पुश करते हुए जाएंगे और फ्रेंड्स एंटर बटन पुश करने के बाद अगर आप उसका एड्रेस भी चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि बिल में उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं राम पीटर्स। फ्रेंड्स, हम इसका एड्रेस लिख दिया, एंटर बटन पुश करते हुए आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स क्या सेल कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट सेल कर रहे हैं, कितने 10। तो फ्रेंड्स ये हमारा एंटर बटन पुश करेंगे फ्रेंड्स और एंटर करते हुए यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बी सेल, एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी एंट्री हो चुकी है और इसको दोबारा देखने के लिए पेज अप की दबाएंगे और अब इसका हम बिल देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी बटन दबाएंगे और यहाँ पे आई बटन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बड़ा करके देखते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ रहा है बिकॉज हमने ये कैश सेल किया था। इसी तरह से एस्केप बटन दबा के हम बाहर आ जाते हैं और एक एंट्री और करके देखते हैं क्रेडिट सेल की। तो वाउचर पे जाएंगे फ्रेंड्स और F8 की दबाएंगे, चूंकि ये क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिट सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे किसे सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, मीशो ट्रेडर्स को हम यहाँ सेल कर रहे हैं। तो मीशो ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर बटन पुश करते हुए आगे आ जाएंगे।
और उसमें एड्रेस भी आ रहा है। एंटर बटन करते हुए यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे तो क्या सेल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेन ड्राइव। कितनी 10 पेन ड्राइव सेल कर रहे हैं, एक का रेट है 300। एंटर बटन पुश करते हुए आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स इसके बाद हम नरेशन टाइप करेंगे पेन ड्राइव सेल। एंटर बटन पुश करते हुए इसको सेव कर देंगे। फ्रेंड्स इसको देखने के लिए पेज अप की दबाएंगे और प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएंगे। रिव्यू देखने के लिए आई बटन प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए ऑल्ट प्लस जेड बटन दबाएंगे। आप यहां देख सकते हैं क्रेडिट मेमो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्रेडिट और कैश सेल की एंट्री कर सकते हैं और ये नाम भी ला सकते हैं। फ्रेंड्स हम कैश सेल में जो हमने एड्रेस डाला था तो देख लेते हैं कि उस बिल में हमारा एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं डेबिट में और अभी जो हमने करी थी वो कैश सेल की ये एंट्री थी। एंटर बटन पुश करते हैं, कंट्रोल प्लस पी बटन पुश करेंगे, आई बटन दबाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने नाम लिखा था राम ट्रेडर्स हरिद्वार तो नेम भी आ रहा है। अगर हम वहां पे वो ये जो डिटेल है ये फिल नहीं करते तो ओनली कैश कैश नजर आता। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।